सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। इकबाल की इन लाइनों को नफरत के इस दौर में बार बार दोहराते हुए न्यूज क्लिक के इस कार्यक्रम खबरची भाषा के साथ मीडिया पर खरी खरी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। We are against the death penalty. They pick up these political. हिंसा भड़काने के लिए आपको वाह मोदी जी वाह वाह वाह। हिंदुस्तान के हम बुलबुले अपने वतन को लेकर बेहद फिक्रमंद हैं। अपने हिंदुस्तान को दिनों दिन लिंचिस्तान में तब्दील होता देखना बहुत तकलीफ देह है। 2014 लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ विकास का रथ आज हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई, दबंग जाति बनाम दलित जाति, पिछड़े आदिवासी के खून का प्यासा हो गया है। लिंचिंग अब हमारे लोकतंत्र के लिए नया नॉर्मल होता जा रहा है। भीड़ द्वारा हो रही इन बर्बर हत्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और केंद्र सरकार से कहा कि वह तुरंत इन्हें रोकने के लिए कदम उठाए और यह उसकी जिम्मेदारी है। लिंचिंग की इन तमाम घटनाओं पर मीडिया में रिपोर्टिंग तो हो रही है, हालांकि सघन इन डेप्थ रिपोर्टिंग जहां जो पीड़ित है उसके बारे में दर्शकों को, पाठकों को लंबे ब्यौरे पता चलें, क्या हो रहा है ये पता चले, इसकी भीषण कमी है या यूं कहिए कि अकाल सा पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने इसके बाद सदन में क्या कहा वो भी बहुत हैरान करने वाला है। सदन में केंद्रीय मंत्री ने कहा, खासतौर से राज्यसभा में, कि सरकार के पास लिंचिंग से जुड़ी हुई घटनाओं का डाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऐसे डाटा नहीं रखता। लेकिन सच ये है कि उन्होंने गलत कहा। पिछले दिनों दिल्ली में एक अहम रिपोर्ट रिलीज हुई, डिसमेंटलिंग इंडिया, विखंडित भारत। यह रिपोर्ट पिछले 4 सालों में मोदी सरकार के लेखा जोखा को पेश करती है और इसमें तैयार किया जॉन दयाल, लीना और शबनम हाशमी ने, उन सब लोगों ने मिलकर संपादित किया, 24 से 25 लेखकों ने लिखा। और उससे भी बड़ी बात, 1 जुलाई 2018 तक, यानी 2014 से लेकर 1 जुलाई 2018 तक इस देश में लिंचिंग की, हिंसा की, बलात्कार की, दलितों और मुसलमानों पर अत्याचार की जितनी घटनाएं हुई हैं उनका क्रमवार, तारीखवार, इलाकेवार ब्यौरा इस रिपोर्ट में है। यह रिपोर्ट बहुत अहम है, यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है और इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से तारीख के हिसाब से तमाम घटनाओं का उल्लेख है। 2014 से लेकर अभी तक की तमाम घटनाएं इस रिपोर्ट में सूचीबद्ध की गई हैं और ये रिपोर्ट आसमान से नहीं आई है या ये आंकड़े आसमान से नहीं आए हैं। ये तमाम वारदातें जो देश में हुई हैं, जिनके बारे में खबरें छपी हैं, उन तमाम जगहों को एक जगह समेटा गया है। एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया है जिसे आप पन्ने पलटिए और पता चले कि देश में मुसलमानों, दलितों, महिलाओं, आदिवासियों और जो सिविल सोसाइटी है उसके ऊपर किस तरह से सुनियोजित ढंग से हमले हुए हैं, कहां कहां खबरें आई हैं। लेकिन हमारी सरकार को यह रिपोर्ट नहीं दिखाई दी, उसे तो यूएन की भी रिपोर्ट नहीं दिखाई देती है। लेकिन हमारे मीडिया को, और खास तौर से यहां मैं जोर देके कहना चाहूंगी कि मुख्य धारा के मीडिया को इस अहम रिपोर्ट से कोई वास्ता नहीं हुआ, कोई लेना देना नहीं हुआ, कोई बड़ी खबरें नहीं आई, जबकि इसे रिलीज करने के लिए तमाम नामचीन लोग यहां पर दिल्ली में आए थे, इस पे चर्चा हुआ था। लेकिन चूंकि यह रिपोर्ट 4 साल का लेखा जोखा पेश कर रही है और बता रही है कि मोदी सरकार ने 4 सालों में भारत को किस तरह से विखंडित किया है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो छोटी छोटी जो माइक्रो लेवल की व्यवस्थाएं चल रही हैं वो हो, रोजगार का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, नौकरियों का सवाल हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस रिपोर्ट में विस्तृत ब्यौरे हैं। लेकिन मीडिया ने इस रिपोर्ट की मैं यहाँ पे वेबसाइट्स या जो हमारे तमाम समानांतर मीडिया हैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो मीडिया करोड़ों लोगों तक पहुँच रहा है, लाखों लोगों तक जिनकी पहुँच है, उस मीडिया ने इस रिपोर्ट की बहुत जानबूझकर सोचे समझे ढंग से अनदेखी की, क्योंकि वह अपने पाठकों, दर्शकों को नहीं बताना चाहते कि देश
विखंडित हो रहा है। नफरत फैलाने वाली ताकतें राजनीतिक वर्धस्त के साथ पूरे देश में पसरी हुई हैं और मीडिया इस खतरे को, स्थिति की गंभीरता को समझने में नाकाम साबित हो रहा है। अभी झारखंड में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर भाजपा और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हमला बोला, उन्हें लात घूंसे से मारा और उसकी वीडियो बनाई, जैसा कि उनकी आदत रही है कि उसकी खुद वो वीडियो बनाते हैं और डालते हैं। झारखंड में भाजपा की सरकार है, आप सब जानते हैं, और उसके मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अन्य नेता, कोई इसकी निंदा नहीं की, कोई उनसे मिलने नहीं आया। वह दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में भी उन्होंने मीडिया से बात की। मैं कह रहा हूं कि साफ दिखाई पड़ रहा है, जो गिरफ्तार किए थे कल शाम को वो थोड़े समय में छोड़ दिए गए, तो सब कुछ नाटक लग रहा है। झारखंड के हाईकोर्ट के कोई रिटायर्ड जज या सिटिंग जज के द्वारा न्यायिक जाँच हो, इसकी मांग करता हूँ। जो सचमुच में अपराधी, जो जानलेवा हमला या अटेम्प्ट टू मर्डर है, जो हुआ उससे एक बात साफ हुई कि जरूरी नहीं कि आप निशाने पर तब आए इस भीड़ तंत्र के, इस लिंचिंग मॉब के, जब आप दूसरे धर्म के हों, मुसलमान हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, नहीं। अगर आप उनकी विचार से अलग विचार रखते हैं, अगर आप उनकी तमाम बातों से सहमत नहीं होते और ऐसी बातें बोलते हैं जिससे वो परेशानी में पड़े, तो आप पर भी हमला हो सकता है। स्वामी अग्निवेश भगवा कपड़े पहनते हैं, बहुत से लोगों ने बोला कि उनको बिना पगड़ी के, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने ऐसे ट्वीट किए कि उन्हें बिना पगड़ी के कभी नहीं देखा, और जो फोटो और वीडियो आई उसमें दिखाई दे रहा था कि किस तरह से वो जमीन पे गिरे हुए हैं और उनके ऊपर हमला हो रहा है, और इससे मध्यम वर्ग के एक सेक्शन को, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो पत्रकार है, उसको पीड़ा हुई, उसको दर्द हुआ। और उन्होंने पूछा भी, सुषमा स्वराज से भी पूछा कि भाई आपके ऊपर जब हमला हुआ था ट्रोल आर्मी का, तो तमाम लोग उतरे थे, कम से कम आप तो ट्रोल आर्मी जो ये यहाँ उतरी हुई है उस पर कुछ बोलिए। और हैरानी की बात है कि सुषमा स्वराज ने इस हमले पे तो एक शब्द नहीं कहा, लेकिन ये जरूर स्पष्ट कर दिया कि वो डिप्टी मिनिस्टर नहीं थी। स्वामी अग्निवेश जब मंत्री थे हरियाणा में, तब वो डिप्टी मिनिस्टर नहीं थी। यानी साफ है कि जो निशाने पर लोग हैं, उनके समर्थन में आने वाली भीड़ उस खेमे से किसी भी सूरत में नहीं आने वाली, इस खेमे से लोग उनके समर्थन में जरूर उतर जाते हैं। तो पार्टीशन बहुत साफ दिखाई दे रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारा मीडिया है वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा मुसलमान को देशद्रोही बताने की, मुसलमान को यह बताने की कि वह कितना हिंसक है, कितना बर्बर है, कितना एंटी वुमेन है। यह सब चीज बताने के लिए तमाम समय, तमाम छोटी छोटी जो घटनाएं हैं उनको हम आउट ऑफ द बॉक्स प्रोजेक्ट करते रहे हैं। स्वामी अग्निवेश पर हमला और जिस तरह से उसका वीडियो वायरल हुआ, उसने एक सेक्शन में, एक ही हिस्से में, हो सकता है कि हिस्सा छोटा हो, लेकिन यह बात जरूर पहुंचाई कि 80 साल के इस बुजुर्ग को इस तरह से मारने की क्या जरूरत थी, और क्या यह बताना चाहती है सरकार और सरकार से जुड़े हुए जो तमाम संगठन हैं कि कोई भी, चाहे वो हिंदू भी हो, चाहे वो आर्य समाजी भी हो, लेकिन अगर वह थोड़ा सा भी अलग है तो वह हमले से बच नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं लिंचिंग की। इसी क्रम में झारखंड से जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं जयंत सिन्हा, उन्होंने किस तरह से लिंचिंग के आरोपी, जिनको सजा मिल चुकी, जो जेल में थे, उन्हें घर, अपने घर बुलाया, उन्हें माला पहनाई, मिठाई खिलाई, और ये तमाम चीज़ें मीडिया में आईं और उनकी काफ़ी खिंचाई भी हुई। लेकिन जब ये खिंचाई का दौर चल रहा था तो उन्हें बचाने की मुहिम में भी मीडिया का एक हिस्सा उतरा। CNN न्यूज़ 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर भूपेंद्र चौबे ने शर्मनाक ढंग से उनके समर्थन में उनका इंटरव्यू लिया, जिसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बताया गया, और ये बताया गया कि पहली बार जयंत सिन्हा अपने डिफेंस में बात करने को तैयार हुए हैं। यू आर सीमिंगली ऑन द सेम साइड एज दोज हु आर स्टिल आउट ऑन बेल एंड देयरफॉर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट सर? व्हाट आई रिस्पॉन्ड टू दैट इज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु कम टू मी एंड हु हैव कम टू मी इन द लास्ट 4 इयर्स एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दे मेक सर्टेन क्लेम्स अबाउट देयर इनोसेंट,
they ask me for help, and whoever comes to me and asks me for help, I help them to the extent possible. It was not that the circumstances of the case were so cut and dried, that it was so black and white, that their protestations of innocence could be rejected out of hand. और अगर आप इंटरव्यू देखें, वो कहीं ये पूछते नहीं हैं कि आखिर क्या वजह थी, कैसे वो लोग उनके घर पहुंचे, क्योंकि यहां जैन सिन्हा बहुत बड़ा लॉजिक बिल्डअप करते हैं कि मैं उनके पास नहीं गया, वो मेरे घर आए और इसलिए मैंने उनको माला पहनाई और उन्हें मिठाई खिलाई। जो सवाल उनसे पूछा जा रहा था कि जिन लोगों की हत्या हुई थी इसी कांड में और जिस कांड के ये लोग दोषी हैं, उनके घर तो जयंत सिन्हा बतौर सांसद नहीं गए, लेकिन इस सवाल पर ज्यादा न जोर डाला गया और न ज्यादा खिंचाई की गई जयंत सिन्हा की। तो ये जो पूरा का पूरा इंटरव्यू और इस तरह का जो पूरा माहौल पक्ष वाला बनाने की कोशिश की गई, वह बताता है कि तमाम हंगामे के बावजूद मीडिया का एक धड़ा किसी न किसी तरह से बचाने की या मुद्दा या एजेंडा चेंज करने की कोशिश करता है। आज सारा चर्चा अमन की आस को जिंदा रखने की चाह में नफरत के कारोबारियों को पर्दाफाश करने का है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है उसमें जो आस है, आस ये है कि अमन बना रहे, मोहब्बत कायम रहे। ऐसी ही एक आस हापुड़ लिंचिंग मामले में समयदीन की आंखों में नजर आई। अगर आपको याद हो, उत्तर प्रदेश हापुड़ जिले में 18 जून को, इसी 18 जून को लिंचिंग की एक वारदात हुई थी जिसमें कासिम को तो पीट पीट कर मार डाला गया था और समयदीन को भीड़ ने यह सोच के छोड़ दिया कि ये मर ही जाएंगे। तब से वह अस्पताल में थे, अभी अस्पताल से बाहर आए और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को एक पत्र लिखा। वह पत्र पढ़ने योग्य है। पहली बार यह सामने आया कि उनका बयान अभी तक पुलिस ने लिया ही नहीं और उसमें वो दरखास्त करते हैं, अपील करते हैं कि उनका बयान लिया जाए। वो जिन पीटने वालों को पहचानते हैं उनकी वो शिनाख्त करने को तैयार हैं। सबसे बड़ी बात, ये बुजुर्ग व्यक्ति जिसके दोनों हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटा हुआ है, पसली टूटी हुई है, सर पे टाके लगे हुए हैं, वह यह कहना चाहता है कि उसे जान का डर तो है लेकिन वह यह नहीं चाहता कि इस तरह का जो भीड़ भरा उन्माद है, जो लिंचिंग है, वह कायम रहे, वह देश में ऐसे ही चलता रहे और उनके बाद किसी और की भी इसी तरह से पीट पीट के हत्या हो। तो चोटे तो मेरे एक एक उंगली और एक एक हिस्से में चोटे तो मेरे बहुत लगी हुई हैं। बस ऊपर वाले का करना है जो मैं जिंदा हूँ, इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसलिए कि ये नाइंसाफी ना हो, ये आज मेरे साथ हुई है, कल किसी भी मुसलमान या हिंदू किसी के भी साथ हो सकती है। तो इन्हें मैं चाहता हूँ कि इतनी सज़ा मिले कि कोई आदमी किसी को परेशान या नाजायज सताने की हिम्मत ना करे। सिर्फ इस वजह से, इस उम्मीद की वजह से वो आज भी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। उनके साथ उनके भाई भी आए, यासीन, जिन्होंने भी बयान दिया, दिनेश तोमर आए जो कि उसी दबंग जाति से हैं जो पीटने वाले थे, और उन्होंने ये खुलासा किया कि किस तरह से पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन है वह दोषियों को बचाने वाला है, वह इस पूरी लिंचिंग मॉब को बचाने के लिए यह बता रहा है। FIR, ध्यान दीजिए, जो FIR है, FIR में यह बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई और इसलिए मामला ऐसा है और जो पकड़ा गया व्यक्ति उसको भी छोड़ दिया गया। लेकिन समयदीन चाहते हैं कि देश में अमन रहे, वह चाहते हैं और वो जोर दे के कहते हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं यहीं पैदा हुआ और यहीं फना होऊंगा और मैं चाहता हूं कि अंतिम सांस तक मैं इंसाफ की लड़ाई में साथ दूं, आगे बढ़ूं। यह खबर बहुत बड़ी थी, इस खबर को तमाम मीडिया चैनल्स को दिखाना चाहिए था। ऐसा नहीं कि खबर की अनदेखी हुई, अखबारों में खबर आई, छुटपुट जो टीवी चैनल्स हैं उनमें भी खबर आई, लेकिन इतनी बड़ी खबर जहां इकलौता चश्मदीद गवाह यह कह रहा है कि उसके सामने किस तरह से कासिम को पीट पीट के मारा और बहुत दुख के साथ यह भी बता रहा है कि मारने वालों में छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी थे जो अपनी पेन लेकर आए हुए थे या स्क्रू ड्राइवर्स उनके हाथ में थे। ये तमाम चीज़ें जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, जिन पे चर्चा होना चाहिए था, वह मीडिया ने नहीं किया। ऐसा आखिर क्यों करता है मीडिया? क्या हम वाकई
सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा जो इकबाल का सपना है उसके साथ खड़े नहीं हैं, जो उस हिंदुस्तान को विखंडित करने, डिसमेंटल करने वाली ताकतें हैं, क्या हम उनके साथ कहीं हॉबनॉबिंग कर रहे हैं या हमें लग रहा है कि उनको चुनौती नहीं दे पाएंगे? ये ऐसे सारे सवाल हैं जो मीडिया के भीतर और मीडिया के बाहर तमाम लोगों के दिमाग में आने चाहिए। इन तमाम सवालों के साथ ही आज आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी देश दुनिया पर जो चर्चाएं हैं उनके साथ। शुक्रिया। We are against the death penalty. They pick up these political forces. इंसाफ भड़काने के लिए आपको हर एक रोड पर NGC यानी वाम।